नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह की बन गई, शाम की बन गई मेरी चाय, और रानी के लिए आलू उबाल दिया। ठंडे हो रहे हैं, ठंडे हो जाएंगे जब उनको उनका छिक्कर उतारूँगी, उसका खाना बनाऊँगी। पता नहीं कहाँ से लिए दूध दिया तो पीने, वो पिए नहीं, कहीं लेट के लग रहा सो गई। हमारा कूलर का पानी ख़त्म हो गया था दोपहर में, आज बहुत गर्मा रहा है, कूलर में नहीं है पानी, तो जा रही हूँ। दो चार बाल्टी डाले दे रही हूँ अभी, भरी अभी चलेगा क्योंकि तो गर्म आ रहा, चालू कर दूँगी थोड़ी ठंडा हो जाएगी। और वह पानी आ रहा तो भर के रख दूँगी, फिर शाम के आएंगे दूध पापा तो भरेंगे, मैं खाना बनाऊँगी। जा रही हूँ, कूलर भरे दे रही हूँ, तो एक भी पानी नहीं, बहुत गर्म आ रहा था, इतनी गर्म हवा देते पंखा कुछ कहने को नहीं। सुबह सुबह दो बाल्टी डाले थे दूध पापा, टाइम हो गया तो चले गए थे ड्यूटी, तो थोड़ी दो दो तीन घंटा चला, सारा पानी ख़त्म हो गया, गर्म हवा दे रहा तो बंद कर दिए। अब बहुत शाम गर्म आ रहा है, तब जा रही हूँ बाल्टी डाल दो चार बाल्टी डाले दे रही हूँ, चलेगा। खोल के जाली चालू कर दूँगी क्योंकि जाली अभी ढकी हुई है रूम, उससे तौलिया से हवा चल रही थी तो ढक दिया था, मच्छर भी बहुत आते, जाली हटा दे तौलिया हटा दो तो, क्योंकि मच्छरदानी की जाली भी हटा दिया, पापा मच्छरदानी लगाए हुए थे वो भी हटा दिया तो बहुत ख़राब मच्छर आ जाते हैं। तो जा रही हूँ डाले दे रही हूँ, चलेगा। अभी थोड़ी देर ठंडा हो जाएगी, भर के रखे दे रही हूँ, फिर रात में दूध पापा भरेंगे, क्योंकि अभी भर दूँगी, भर के रख दूँगी तो पूरी कूलर की टंकी भर जाएगी, नहीं तो फिर पूरा भर नहीं पाएगा। खत चले रहते हैं तो गुजार में खाते हैं, फिर कुछ खाना बनाऊँ क्या बनाऊँ पता नहीं, सोचूँ क्या बनाऊँ। जा रही हूँ पहले भरे दे रही हूँ टंकी, फिर मिलती हूँ आपके यहाँ से, क्योंकि बहुत गर्म आ रहा है। शाम को चालू कर लूँ थोड़ा ठंडा हो जाती है, पूरा कमरा हार आंगन तक ठंडा हो जाता है। जा रही हूँ भर दूँ, मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि सप्लाई का पानी आ रहा है, भर के बाल्टी में भी रख दूँगी, नहीं तो फिर चला जाएगा पानी। कितना बच्चा है अभी? बारह बारह लगेगा, डालू क्या? आराम से टंकी पे ना लगाना, भर गया बारह और पीली बाल्टी में था छोटी, तो पर गंदगी निकाल दो। अभी जब पूरा खाली हो जाएगा तो सीधे पोछे से साफ कर देंगे, घास जरी होगी, भर गया पूरा। चलो ले आ बाल्टी, अरे आराम से, चलो उठा बाल्टी, एक दूसरे पे रख लो ना। आ जा, कूलर भर दिया मैंने, पानी दे दिया, साहिल ने भर दिया, उठा उठा के बाल्टी, चाय छान के रख गई थी। अब दोनों लोग चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद सोच रही हूँ मट्ठा मंगा लूँ, तो आज बनाऊँगी कढ़ी। पहले पी लेती हूँ चाय, चाय पीने के बाद साहिल लाएगा मट्ठा, जब तक रानी का खाना बनाएंगे। रानी के आलू निकाल ला, साहिल छील लूँ यहीं पर, आ जाओ चाय पी लो, तुम्हारी ही रखी है पत्ती पे, खाना चाहिए तुम्हें क्या? रानी खाना खाएगी? आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के सपोर्ट से और प्यार से मेरे 1100 होने वाले सब्सक्राइबर, आप लोग ऐसे मेरा सपोर्ट करते रहिए, मैं मेहनत करती रहूँगी, आप लोग सपोर्ट करते रहिए और ऐसे प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के प्यार की भी बहुत ज़रूरत है, आपकी मदद की भी बहुत ज़रूरत है। समय आएगा तो आप लोग बताएंगे जरूर, मैंने कि हंसते हैं वीडियो बनाते हैं आप लोग देखते हैं, वही सच है। कोई कोई ऐसी चीज़ होती है कि दिखती नहीं है, बाहर कुछ और दिखती है, आप लोग ऐसे मेरे 1300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोग सपोर्ट करते हैं।
करते रहिए और प्यार देते रहिए। गर्मी बहुत है, गर्मी के बाल तोड़े। देखो अपनी तरफ पंखा कर लिए है, मुझे तो गुस्सा हो कि कहाँ बैठी है। आ जाओ आप वहाँ पर बैठ गई थी, अपनी चाय पीने लगी, बात करने लगी, मेरी कोई नहीं खाने की, उसकी याद छीन लेती हूँ और उसको उसको भी शाम के रोक लिए दे रही हूँ, उसके बाद चाय खाएगी। दत्ता कोल्ड ड्रिंक पी लो। मेरा सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कैसे करवा रही चाय? आज अदरक नहीं डाली, आज डाली। मेरे को अच्छे नहीं लग रही, करवा रही हूँ। थोड़ी देर बाद इसका खाना बना के ऐसा लग रहा है कटहल की करेले की चाय। खाना बना दूँ और शायद दे दें मट्ठा लें, मट्ठा ले बनाऊँगी करेले। थोड़ी देर में साल मट्ठा लेके आ गया है, अब बनाएंगे हम क्या साहिल? पता नहीं, कढ़ी बना रहे हैं आज ना, क्योंकि कढ़ी बहुत कढ़ी और चावल हा? चावल भी ठीक है, तुम्हारे लिए चावल बना दूंगी, क्योंकि उस संडे को चावल नहीं बनाए थे साहिल, बहुत दिन हो गए चावल खाए। साहिल के लिए चावल बनाएंगे और कढ़ी चावल रोटी ना। सब्जी नहीं खाई थी सुबह की, दोपहर में खाना नहीं खाया क्या? भूख ही नहीं थी। ये लड़का खाना खाने में बहुत लापरवाही करता है, क्योंकि गर्मी आ गई है तो स्कूल टिफिन को पूरा खा के आए थे, आधा आधा खा के आए, आधी रोटी बची थी तो ऐसे रख दी है धुलने की जगह में। ये बहुत लापरवाही करता है, पूरा चार रोटी ले जाता है छोटी छोटी, पूरी खा के नहीं आता है। कल दो ठो रोटी घर से खा के गया था और 3:30 ले के गया था, पूरी खा के आया था। आज खा के भी नहीं गया था, चाय पी के गया था, वो भी चलो ठीक है दूध वाली पी के गया था, दूध जरा सी चाय और आधे गिलास से ज़्यादा दूध था पी के गया था, खाना नहीं खा के गया था। आज कैरा बचा के लाए, दोपहर में आके नहीं खाया इसने। ये बहुत खाना में लापरवाही करता है, क्योंकि गर्मी आ गई खाना नहीं खाते हैं, इसके आँखों का पावर बढ़ता ही जा रहा, खाना खाता नहीं है। और तुम दूध नहीं पीते हो ना, वो मछली के तेल वाले कैप्सूल खाते हो, पूरा रखे 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 फेंकना पड़ेगा, नहीं वो एक्सपायर नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो खाते क्यों नहीं उसको? तो भूल जाते हैं, रोज भूल जाते हो, रोज रात में बोलते हो मैं खाता हूँ रोज। अच्छा सपने में खाता हूँ। बहुत प्यास लगती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपके घर में बच्चे हों, कि आप लोगों के बच्चे खाते हैं कि नहीं, कि ऐसी लापरवाही करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। साहिल गर्मी पड़ती है, साइकिल चला के स्कूल जाना, घर आना दोपहर में, इतनी तेज धूप होती है, फिर बोलते हो ये दिक्कत हो रही वो दिक्कत हो रही। पानी की फ्रिज में चलो, अब आ जाओ पढ़ाई करो, कूलर चल रहा है तो यहाँ तक ठंडा के आंगन में इतनी ठंडा के सामने दरवाजा पड़ता है। देखिए बिल्कुल सामने है तो हवा भी आती सीधे आती है बिल्कुल, तो आंगन पूरा ठंडा हो जाता है, पूरा हाल ठंडा हो जाता है और इन कमरों में तक हवा जाती है ठंडी ठंडी, दोनों कमरों में ठंडा आता है थोड़ा थोड़ा, मतलब उतनी गर्मी नहीं रहती जितनी भावक रहती है, ठंडक रहती है। सुबह सुबह अगर वहाँ कूलर चालू कर दो तो हाल और कमरा तो ऐसा लगता है एसी लगी हुई, क्योंकि बाहर से खुली हवा लाती बहुत ठंडक रहती है। अब मेरी थुनू खाना खा चुकी है, मेरी थुनू से कोई नहीं मिलता है, खाना खा लिया, खा लिया खाना, इसको खाना दे दिया, आप खा चुकी है, अब इसको भी गर्मी लगती है, इधर लेटी उधर लेटी। तुम जा रही हूँ बना लेती हूँ कढ़ी, क्योंकि पापा के आने का टाइम हो रहा है, चाय चढ़ा देती हूँ एक तरफ, चाय पकेगी, अदरक नहीं है अभी तो, पहले जा रही हूँ पकौड़ी बना लेती हूँ फिर चाय चढ़ाऊँगी। साहिल गया पढ़ाई करने, अब वो पढ़ेगा बैठ के, आए थुम हो जाएंगी सतानी करेंगी, ये लेट गए, दूध भी पी लिया
एक रोटी मीस दिया था, एक आलू रोटी इसके दाने खा के छक गई है। मैं खेलती रहेगी, जा रही हूँ बनाऊँ फटाक से खाना। तो जा रही हूँ, पहले बना ले रही हूँ पकौड़ी, फिर चढ़ाऊँगी चाय। साहिल पूछ लेती हूँ पकौड़ी खाएगा तो ज़्यादा बनाऊँगी, नहीं तो बनाऊँगी कड़ी वर। क्यों साहिल पकौड़ी खाएगा? हाँ अच्छा पकौड़ी खाओगी? आलू की? अरे आलू की नहीं, कड़ी के लिए बनाऊँगी ना खाना, होते एक दो से ज़्यादा बना दूँगी। नहीं खा रहा? पेट दर्द हो रहा। क्यों हो रहा? पका नहीं, किसी को मैं जा रही हूँ बनाने जाएगा। तो मेरा जला वाला पता नहीं, इस युग में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल ही जाएगा रहा है ना, जहाँ कुछ कोई शोक लगी होती है वहाँ बहुत जल्दी उठता है, कहीं कुछ लगेगा कहीं कुछ लगेगा। साहिल बताओ, पढ़ रहा है तो इसको डिस्टर्ब नहीं। यहाँ के दरवाजे बंद कर दे, दरवाजे बंद कर दो तो ज़्यादा ठंडक हो जाती है। अजर रानी अंदर आओ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी थोड़ी देर में, मिलती रहूँगी, पकौड़ी बना लेती हूँ। अरे यार फिर भी ये ठंडा पानी निकाले हो क्या? हाँ ठंडा 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 सित्तू जमेगा इसमें। फिल्टर क्या मम्मी आपके पास? ये शहरी जुगाड़ है तो ये देसी जुगाड़ कहे गाँव का अपनाती हो? ये देसी जुगाड़ जिंदगी में चलती है, शहरी जुगाड़ ना कब ये फर्रोड़े कोई भरोसा नहीं। दिखा मेरे को भी दिखा रहे हैं मेरे को, तो उसको दिखना रहा होगा। नारानी क्या रानी? लाऊं क्या भाई काली मिर्च? चल मैं यहाँ का पीस देंगे, ये प्याज दे गरम मसाला या ये दूध बगैर अरे मैं जला रहा हूँ। यहाँ पर मैंने छौंक दी कढ़ी, यहाँ पर कढ़ी पक रही है, यहाँ पर मेरी चाय पक रही है। देखिए आ गए मिट्टू पापा, चढ़ा दिया चाय, गए साइकिल थोड़ी सही करनी, पता नहीं क्या करता रहता है साइकिल में, खटा रही है कि क्या, तो सही करने गए जब तक मेरी चाय पक जाएगी। यहाँ पर रखी मेरी पकौड़ी, पकौड़ी ज़्यादा नहीं बनाइए, थोड़ी सी बनाइए, तीन लोगों में ज़रा सा लगता है खाना। और यहाँ पापा को आज मिला प्रसाद, पता नहीं आज किस चीज़ की पूजा थी, प्रसाद मिली है। मेरी इतनी मेहंदी रह गई सब छूट गई, प्रसाद मिला है पापा को। जा रही हूँ आटा गूंज लेती हूँ। मम्मी रोटी बन गई है? क्या दिख रहा है? रोटी। क्या लग रहा है तुम? पूरी। पूरी लग रही है, पूरी देख ले। अच्छा चलो आई तुम्हें खाना नया। चावल क्या लग रहा है? दलिया? नहीं खीर। मुझे लगा कि दलिया लग रहा है, फिर बहुत दिखता ना तो सोचे चावल लग रहा है, मट्ठा डाल रही है। वाली रोटी मम्मी चावल को मैं मट्ठे में खाऊंगा। मट्ठे में चावल मट्ठी माठा लाना किसी दिन माठा वाले चावल बनाऊंगा। हाँ जैसे उस दिन बनाया था खट्टा माठा नहीं है ना है, ये कहाँ खट्टा लगता है? ये खट्टा नहीं, छाछ वाला खट्टा लगता है।
अच्छा, खट्टा वाला भी मिलता है और क्या? दही लाना उसका बना के फिर बनाएंगे। खट्टा होता है ना तो अच्छा लगता है खाने में, खट्टा खट्टा में। आपने बनाया तो था है? एक बार आपने बनाया है, काम अच्छा लग रहा था। खट्टा हो ना तो खट्टे में ज्यादा मेरे को भैया अच्छा लग रहा था, खट्टा था बढ़िया। अब तुमने पहली बार खाया था तो अच्छा लग रहा है। चल कब चलो? शनिवार को। शनिवार कौन सा दिन? छुट्टी है। तारीख कौन सी? 20? पता नहीं 20 का होगी, काश 22 हो ही जाता। ये आलू उठा के रान के रख दे, एक आलू से खाने पे रख दो तो रोटी सान दे, क्योंकि खाना खाने का टाइम फिर कहेगी मेरे को खाना दो। 20 तारीख है। 20 तारीख 20 होगी। 20 जितनी हो मुझे पता नहीं। इसका एक फोटो कितनी देर पड़ेगा? कोई लिख रहा है क्या? मेरा खाना बन चुका है और किचन साफ हो गया है, बर्तन धूप रहे गए, जा रही हूँ बर्तन धूपनी, साइड पड़ रहा है, पापा गाना गा रहे हैं। मुझे देखिए प्रसाद में मेरे को चने और खाने को मिले हैं, एक बेसन का लड्डू था, एक पापा और सारे खाने में मेरे को ये लोग दिए नहीं, सब खा लिया पूरा लड्डू, इतना अच्छा ही लड्डू लगता है, कुछ कहने के लिए सब खा लिया, मेरे को नहीं दिया। वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और जा रही हूँ बर्तन धोने, तो खाना खाएंगे। वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और नए आपको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ की नहीं। लड्डू दोनों लोग सब खा रहे हैं, मेरे को सब खा लिया, मेरे लाजवाब खा लो, मेरा लाजवाब खा लो, ज़्यादा है ना जरा सा कुछ आया खा लो, इसमें मैंने फूका है। ऐसे बोलते पर सब खाना खाना मेरे को भी खाना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए और मेहनत करते रहूँ, मेरे को आगे बढ़ाइए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, गुड नाइट।